रविवार और सोमवार को सूर्यदेव की चमक ने सर्दी में जो राहत प्रदान की थी वो राहत मंगलवार को नदारद दिखी। मंगलवार को हुई बारिश ने एक बार फिर से ठंड के तेवरों को और सख्त कर दिया है। मौसम विभाग ने बुधवार तक किसी तरह बादल और बूंदाबांदी का अनुमान जताया है। बुधवार को सुबह से ही सर्दी के तेवर सख्त देखे गए। सुबह से चली सर्द हवाओं ने एक बार फिर से सबको पर सन्नाटा फैला दिया है और इसके बाद रुक रुक कर हुई बारिश ने मौसम के तेवरों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। बारिश की वजह से ठंड का असर भी ज्यादा देखा क्या और लोग अपने घरों और कार्यालयों में ही दुबके रहे। सीएसई के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे का कहना है कि आज और कल ऐसा ही मौसम बना रहेगा जिसमें आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद मौसम में कुछ राहत मिलेगी। पछुआ हवाओं की वजह से सर्द हवाएं चलेंगी लेकिन सूर्यदेव की चमक लोगों को ठंड से राहत प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि अरब सागर से उठने वाली नम हवाओं में कमी आने से पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि आज और कल इसी तरह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लगे जिलों में कानपुर मंडल सहित बादल बने रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना कल तक इस तरह बनी रहेगी और इसी के साथ उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं भी आएंगी जो ठिठुरन और सिहरन पैदा कर सकती हैं। लेकिन इसके बाद उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं आएंगी और धूप तेज खुलेगी जिससे दिन के तापमान तो गिर सकते हैं लेकिन दिन थोड़े आरामदायक रहेंगे।